अस्सलाम वालेकुम। तहरीक बकाए उर्दू की जानिब से मैं प्रतिमा आपके सामने हाजिर हूँ और हमारे आज के मेहमान भी हमारे सामने हाजिर हैं। मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ। सर, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, शुक्रिया। आपको हम बता दें कि आज आज से जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम 6 बजे आपके सामने हैं, तो शाम को मगरिब की नमाज का वक्त होता है, एक मुकर्रर वक्त है। तो उस नमाज के वक्त किसी भी तरह का के बीच में कोई खलल ना आए या कहीं ध्यान ना भटके प्रोग्राम के दौरान, इसके लिए इस वजह से हमने आज से प्रोग्राम का वक्त बदला है और हम हर शाम 6 बजे आपसे मिला करेंगे। आज हमारे बीच श्रीनगर से मोहतरम सैयद खुर्शीद हुसैन साहब हैं। मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ और तहरीक बकाए उर्दू के प्रोग्राम में बहुत दिनों बाद आप सबके सामने आकर मुझे बहुत दिली खुशी महसूस हो रही है। सैयद साहब, सैयद खुर्शीद हुसैन साहब, आपका इस बहुत ही मयारी प्रोग्राम में मैं इस्तकबाल करती हूँ। मयारी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि उर्दू के जितने भी चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में, वो इस प्रोग्राम को अपना मानते हैं, वो ये प्रोग्राम उनका अजीज हो चुका है। क्योंकि पिछले तकरीबन 7-8 महीनों से ये प्रोग्राम लगातार मुनक्किद हो रहा है, फेसबुक पेज पे हो रहा है, लेकिन अब हम इसे यूट्यूब पर भी बराबर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सारे इंटरव्यूज आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं हमारे। और बीच में कभी कभी कुछ फलन जरूर आता है या कुछ एपिसोड हमारे रुक जाते हैं, लेकिन हम वापस से शुरू प्रोग्राम को कर देते हैं। तो सबसे पहले आज एक बार फिर आपको ये बताते हुए कि हमारा आज का वक्त आज से बदला है, मगरिब की नमाज को ध्यान में रखते हुए, तो वक्त भी अब सर्दियों का आ गया है, जल्दी शामें हो रही हैं, अंधेरा हो रहा है। मैं अपने मेहमान से पहला सवाल करूंगी कि सर, हमारे इस प्रोग्राम में अपना तारुफ दें, हमें अपने बारे में बताएं, अपनी इल्मी अदबी जो शुरुआत है आपकी उसके बारे में बताएं, अपनी शुरुआती तालीमी और जो भी पारिवारिक आपकी जो भी सरगर्मियां थी या शुरुआत थी उसके बारे में हमें बताएं। जी, पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे याद करने का, बुलाने का, बात करने का, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद यह है कि मैं छमकोट में रहता था, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था गांव में, तो वहाँ ही मैंने तालीम हासिल की प्राइमरी तक। उसके बाद मैं हाई स्कूल में आया, क्योंकि वहाँ से गांव से 2-4-5 किलोमीटर पैदल आना था और पैदल जाना था। 6th क्लास में मैंने वहाँ ही एडमिशन ली और फिर मैट्रिक मैंने जब पास की, तो मैट्रिक पास करने के बाद थोड़ा खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेता रहा, तो वहाँ हम क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तो फिर मैट्रिक के बाद यहाँ आ गया श्रीनगर, यहाँ अमर सिंह कॉलेज जो है श्रीनगर का बड़ा मशहूर कॉलेज है, तो बहुत पुराना कॉलेज है, तो वहाँ मैंने एडमिशन लेके तो फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, कश्मीर यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद मैं, चूंकि यूनिवर्सिटी को मैं अभी वहाँ अंडर स्टडी था कि मैं वहाँ, मेरा ऑर्डर निकल गया वो टीचर का, चूंकि मैंने फॉर्म वगैरह भरा था वहीं। तो इब्तदा में जो आपसे कहूँ कि आपने इब्तदा की बात की, तो इब्तदा में मुझे घर में इल्मी माहौल मिला, यानी जब मैं 3rd में पढ़ता था 3री क्लास में, तो मैं उर्दू की किताबें पढ़ लेता था, क्योंकि एक इल्मी माहौल था। मेरे दादा साहब खुद एक अच्छे पाए के शायर थे, उर्दू में भी लिखते थे और अपनी जुबान पहाड़ी में भी लिखते थे वो, तो उस सूरत में मुझे एक अच्छा माहौल मिला। फिर एक उस वक्त उस जमाने की एक किताब होती थी उर्दू की, यानी उसमें आधी उर्दू होती थी आधी पर्शियन होती थी फारसी, तो एक किताब थी उसका नाम था वो दास्तान रुस्तम व ज़ाल। तो एक तो वो पढ़ता रहता था, चूंकि वो कहानी भी थी, उसमें एक कहानी का शौक भी था, और उसके अलावा हफीज़ जलंधरी की थी वो शाहनामा इस्लाम, वो भी शायरी में थी। तो बचपन से जब शायरी जहन में पढ़ती रही,
तो शेर पते रहे में वो भी सुनाते रहे और मैं भी सुनता रहा, तो एक शौक पैदा हुआ अदब का। तो फिर उस्ताद भी उसी किस्म के मिले, जिस वजह से हमें यानी जिनका अच्छा अच्छी सपोर्ट थी तालीम में। तो फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो वहीं से मैंने शुरू कर दिया डिबेट। यानी पहला जो डिबेट हुआ वो हमारा था एनवायरमेंटल पर, तो वो भी शायरी में था, तो उसमें भी मैंने हिस्सा ले लिया। तो वो माहौल पर था, तो उसमें भी मैंने कुछ शायरी वगैरह की। तो होते होते फिर मुझे शौक पैदा हो गया, मैंने शायरी शुरू कर दी। और उसके बाद प्रोफेशन अपना जो टीचर तो था ही, तो वहां भी बच्चों के साथ चूंकि पढ़ने पढ़ाने का काम है तो होता रहा। जी जी बिल्कुल। एक सवाल मैं इसी बीच में करती चलूंगी। मतलब अभी आपने बताया है अपने बचपन और अपनी किताबों से दोस्ती और स्कूल पढ़ाई के बारे में। उस समय आप, क्योंकि आगे बढ़ने पर ये सवाल वापस पलटना हो जाएगा, तो मैं अभी ही कर लेती हूँ। उस वक्त पढ़ाई का माहौल क्या था आपके, जब आप पढ़ाई कर रहे थे शुरुआत में? क्योंकि आजकल पढ़ाई का माहौल पूरा बदल चुका है। तो आज जो हम कहते हैं, जो आज उस्ताद हमारे हैं, जो आज हमें पढ़ाते हैं, उनको काफी अच्छी तालीम दी गई थी, तभी वो आज अच्छे उस्ताद के तौर पे हमारे सामने हैं। तो आपकी वो शुरुआती जब तालीम का दौर था, तो क्या माहौल था, आपको क्या लगता है? वो जो माहौल था उसमें और आज में थोड़ा फर्क ये है कि वो माहौल उसमें थोड़ा जो हमारे जो प्राइमरी स्कूल टीचर होते थे वो उस वक़्त के उसी तरह पढ़े हुए होते थे, तो उन्होंने जो भी किया या जिस तरह भी हमें देते थे, तो हम एक तो बड़ी चीज़ ये थी कि हमें थोड़ा एहसास था और वो एहसास दिलाते रहते थे। और उसके अलावा चूंकि वो मॉरल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, और प्राइमरी जो इब्तदाई स्कूल था या जो इब्तदाई तालीम थी हमारी, तो उसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात ये थी कि उस्ताद की हम इज्जत करते थे और उस्ताद को ओबे करते थे। यानी उस्ताद जो भी कहता था हम उसकी सुनते थे। और शुरू में तो माहौल ऐसा था कि घर से जिसको माहौल मिला तो वो स्कूल जाता था, अगर जिसको नहीं मिलता था घरेलू माहौल में, तो घरेलू माहौल अगर नहीं मिलता था तो वो कम ही जाता था बेचारा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता गया कि चूंकि ताकत इतनी आम भी थी नहीं, तो फिर काफी बर्डन था। यानी प्राइमरी स्कूल थे गांव, एक गांव में नहीं दूसरे तीसरे गांव में, दो दो गांव में प्राइमरी स्कूल थे, उसके बाद हुए प्राइमरी स्कूल। तो फिर पैदल चल के आना पड़ता था हाई स्कूल में, तो रास्ते में काफी चीजें फेस भी करनी पड़ती थी। तो बाद में जो उस्ताद हाई स्कूल में आ गए तो वो तो अच्छे ट्रेंड उस्ताद थे, तो अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ट्रीट किया। और बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो हमारा यानी कि वो हाई स्कूल था उसमें उस वक़्त यहाँ से जाते थे, ये त्रैराम से जाते थे। मुझे याद है हमारे जो यानी कि त्रैराम से टीचर जाते थे दो चार। नाज़रीन, आप तहरीक बकाए उर्दू पर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और इसके पहले कि हमारे मेहमान फिर से अपनी बात शुरू करें, हम आपसे कह दें कि आप जानते हैं कि वो श्रीनगर से जुड़े हैं हमारे बीच, और वहाँ पे नेटवर्क फिर दोहराना पड़ेगा क्योंकि 2G है, खराब है। तो थोड़ा सा ये तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी, इसके लिए माजरा चाहते हैं। जी सर, आप बोलें। खुर्शीद साहब, हाँ, तो उस्ताद थे तो यहाँ से श्रीनगर से जाते थे उस्ताद, वहाँ अगर उसाज़ा की कमी होती थी तो यहाँ से जाते थे। मुझे अब भी याद है कि अच्छे 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 उस्ताद मिले हमें 6th में 7th में फिर 8th से लेके 10th तक, क्योंकि उस वक्त वो हाई स्कूल हो गया था। और फिर बड़ी बात थी कि वो गवर्नमेंट यानी कंपनसेंट्री अलाउंस देती थी, उसको कहते थे LA लोकल अलाउंस, बॉर्डर अलाउंस या उस गाँव में, वो लगभग उस वक्त 400 साढ़े 400 रुपया महीने का होता था। और उस वक्त पूरी तनख्वाह भी यही 400 500 होती थी टीचर की। तो वो उस अलाउंस की वजह से वो वहां जाते थे और तालीम देते थे। उनमें से कोई पंडित उस्ताद भी थे, मेरे उस्ताद थे एक मधुसूदन जी, बड़े अच्छे उस्ताद थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे हमें। और उसके अलावा वो मॉरल एजुकेशन भी देते थे। तो तालीम तो उस वक्त मैं तो ये कहता हूँ कि आज जो एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को वो ज्यादा था, उस वक्त एक्सपोजर कम था, लेकिन तालीम का जो रुझान था या जो उस की मेहनत थी वो आज से ज्यादा थी।
वो बड़े यानी अपने जो उनके जो शागिर्द होते थे उनको बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते थे, उनका ख्याल रखते थे, उनसे पूछते थे और फिर होमवर्क का पूछते थे। तो मैं तो यही समझता हूँ कि अगर उस वक्त हमें अच्छे उस्ताद न मिलते तो मेरे ख्याल में आज हम यहाँ ना पहुंचते। क्यों? इसलिए कि आज का जो बेशक माहौल है, तो आज तो उस्ताद को कहता है पढ़ो या ना पढ़ो, मत है, बाकी चीजें हैं, बाकी फैसिलिटीज हैं, लेकिन उस वक्त उस्ताद बिल्कुल यानी एक किस्म का हम ये कहते हैं कि हमसे पूरा पूरा, जब हम दूसरे दिन स्कूल आते थे तो चूंकि वक्त भी उनके पास बहुत ज्यादा था, सिलेबस भी कम होता था, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता था, वो पूछते थे शाम को कहाँ थे, रात को मतलब कितने बजे सोते हो, कितने बजे जागते हो, क्या करते हो, घर में किस तरह है। तो वो जो चीजें हमें उस्ताद की वो आज भी हमें याद आती हैं और वो उसी वजह से हमने काफी हद तक मतलब उनसे कुछ हासिल किया। तो यही थी, माहौल अच्छा मिला, ऐसी बात नहीं है, माहौल अच्छा मिला उस क्या वक्त, बात बहुत है अच्छा माहौल। जी। बेशक 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 सर, हम लोग दरअसल यही चीज जो है हम वापस से दोहराने की कोशिश करते हैं और ये याद करने की कोशिश करते हैं जो आपने कहा कि एक पर्सनल टच जो होता था कि बच्चा घर से आया है तो उससे घर के बारे में भी पूछ लेना, कल क्या किया है पूछ लेना। आपने एक बात बड़ी सादगी से कही लेकिन उसका बड़ा बड़ा मतलब है कि उनके पास वक्त बहुत हुआ करता था और सिलेबस कम होता था, बच्चे का बोझ कम होता था। और साथ ही साथ जी अभी जो बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है, सुनने में अच्छा लगता है कि एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन उस एक्सपोजर का जो दबाव है, जो बोझ है बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा है कि उसकी जो रूहानी तालीम है वो शायद उतनी नहीं हो पाती जितनी कि आपके जमाने में हुआ करती थी। और कुछ कुछ हम लोगों ने भी कुछ वैसे ही उस्ताद पाए हैं, वैसे ही स्कूल में पढ़ाई की है जहाँ पे टीचर्स से एक सेकंड पेरेंट वाला हमें फील मिलता था। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद हुसैन सर, आप श्रीनगर से जुड़े हुए हैं और आपकी तरफ का जो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए हम माजरत नाजरीन से मांग चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन फिर भी बात हमारी जारी है। और ये बहुत हिम्मत की बात है कि वहां पे रह के इतने कम नेटवर्क में बात करते रहना और तालीम की रोशनी को फैलाते रहना। अब अगला सवाल तो नहीं, मैं अपनी ओर से एक मेरे जहन में एक बात आई है ये पूछने के लिए कि आपने तालीम ली, तालीम लेके उस्ताद बनना, एक नौकरी लेना, ये एक एक रास्ता होता है, लेकिन अदब से जुड़ जाना, अदीब हो जाना, शायर हो जाना, ये एक दूसरा ही रास्ता होता है। तो आप इस रास्ते पे कब आए, कैसे आए, इसमें लाने में किसका क्रेडिट जाता है? जैसा कि मैंने कहा कि हमारे आज के मेहमान श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, उनका नेटवर्क बहुत वीक है। मैं उनको सर, अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है बीच में कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं तो आवाज आपकी बिल्कुल साफ साफ और देर तक आ सकेगी। अगर आप चाहें तो वीडियो भी ऑफ कर देंगे अगर अब प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो। मेरा सवाल ये था कि अदब से जुड़ने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, उर्दू अदब से, और लिखने पढ़ने का और एक शायर या अदीब बनने का आपका सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जैसे कि मैंने आपसे यानी कि पहले की बात कि पहले ही से मुझे ये शौक था बचपन ही से, एक मिनट ये फिर रब्ता तो फिर चला गया, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलें सर, आ रही है आवाज। आप चाहें तो अपना वीडियो हाँ ऑफ कर लें, आप वीडियो को ऑफ करें तो आवाज आपकी आएगी। मिनट ये वीडियो ऑफ करेंगे नीचे तो कैमरा, नीचे कैमरा है उसको आप टच करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा और आपकी आवाज बदस्तूर आती रहेगी। ठीक है। कैमरा तो हम एक मिनट कैमरे को ऑफ कर दें। जी अगर आप कुछ देर के लिए चाहें तो ऑफ कर दें, देखिए आवाज आपकी अच्छी आएगी फिर। हाँ आवाज तो अभी ठीक आ रही है। चलो चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा ऑफ कर देंगे। जी जी बोले आप जी। तो आपने क्या पूछा था ये अदब के बारे में? तो अदब का सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ कि बचपन ही से शौक था मुझे, तो माहौल भी घर में ऐसे ही था, तो फिर मुझे किताबें वगैरह पढ़ने का शौक पैदा हुआ। तो
तो शुरू ही से, चूंकि वहाँ हमारे वक्त आज तो लड़कों के पास में मोबाइल वगैरह हैं, बाकी चीजें हैं, तो हमें एंटरटेनमेंट के लिए दो ही चीजें होती थी, या तो किताब होती थी और या फिर ये गेम वगैरह होती थी, क्रिकेट खेल लेते थे कभी, या तो फिर किताब पढ़ते थे। और किताब पढ़ने का शौक जब पैदा हुआ तो फिर मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को उनके नावल पढ़े, यानी नावल पढ़ने के बाद फिर मैंने अदब में आ गया, फिर मैंने अल्लामा इकबाल को पढ़ा, गालिब को पढ़ा, थोड़ा थोड़ा तालीमी दौर में। तो जिस तरह मैंने आपसे यानी अर्ज की कि फर्स्ट टाइम पर मैंने यानी उस वक्त मैं PUC में पढ़ रहा था, तो वहाँ एक कंपटीशन हुआ, यानी क्विज कंपटीशन एनवायरमेंटल पे, तो वहां पे दिया गया कि भाई इसमें चाहे आप नसर में लिख के लाओ या नज़म में लिख के लाओ, तो उस तरह से क्या उसका उसको इनाम मिलेगा या एक कंपटीशन होगा, मुकाबला होगा। तो मैंने वहाँ फिर थोड़े दो चार शेर लिखे, वो एनवायरमेंटल के बारे में, वो झील डल के बारे में लिखा था कि झील थी मशहूर झील एक डल जिसका नाम, किसी वक्त था उसका ऊंचा मकाम, सुकड़ती सुकड़ती बहुत कम रही है, गलाजत की पानी में तह जम रही है। तो ये दो चार शेर मैंने जब लिखे तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो बड़े जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने कहा यार आपने इतना अच्छा लिख लिया, दो चार शेर बड़े अच्छे लिखे आपने। तो फिर मुझे प्राइज वगैरह भी मिली, फिर मेरा शौक थोड़ा बढ़ गया। मैंने कहा अगर मैं लिख सकता हूँ, अगर शायरी कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए। फिर मैंने शायरी करनी शुरू कर दी, और शायरी करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं शायरों को पढ़ने लगा, फिर लिखने लगा। तो फिर यानी 88 में जब मैं अपॉइंट हो गया, तो वहाँ जब मैं हाई स्कूल में गया, हाई स्कूल टीटवाल में, तो वहाँ किस्मत से मुझे वहाँ मैट्रिक का उर्दू पढ़ाना दे दिया, हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि आप मैट्रिक को उर्दू पढ़ाओ। तो फिर वहाँ से भी मेरा शौक बढ़ गया, तो फिर मैं आ गया इस यानी अदब में, तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। और अल्लाह के फजल से फिर मुझे उस्ताद मिले, यानी मैं डॉक्टर शबीब रजवी के पास गया, वो बड़े अच्छे ऊंचे पाए के शायर हैं, उनका कलाम जो है वो सिलेबस में भी आता है, तो उनसे थोड़ा मेरी यानी काफी नशस्तें हुई। मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूँ, तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नज़म लिखो, गजल में मत जाओ आप, तो ये इसमें जरा काफी पेचीदगी हैं, आप नज़म लिख लो, नसर लिख लो, नसर तो आप बहुत अच्छी लिखते हैं और लिख लोगे, तो नज़म लिखो। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो गजल ही लिखना चाहता हूँ और मैं गजल लिखना चाहता हूँ। तो फिर मैंने गजल लिखनी शुरू कर दी, और अल्लाह के फजल से जब मैंने पहली गजल लिखी तो उनको दिखाई मैंने, तो उन्होंने कहा इसको इस तरह लिखो, इस तरह लिखो। तो फिर उसके बाद फिर मैं 1 महीने के बाद फिर गया उनके पास, तो फिर उन्होंने मेरी इसलाह की कुछ। तो उसके बाद मैंने एक दो मेरे अच्छे यानी जिसको हम कहते हैं कि उस्ताद, वो भी मिल गए मुझे, और उन्होंने मुझे बड़ी अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई की। एक वो मोहम्मद यूसुफ मशहूर, वो भी हमारे कपवाड़ा के प्रोफेसर हैं, और एक वो डॉक्टर अल्लाह ताला मग़फ़रत करे उन्हें, मच्छल सुल्तानपुरी बारामूला के, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे यानी मेरी रहनुमाई की, तो मैं फिर गजल लिखने लगा। जी हाँ, आवाज आ रही है आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हाँ खुर्शीद साहब, हमारा जो जी, आप बोले बोले हाँ बोले तो फिर मैं बोले। आपसे कह रहा था कि फिर मैंने ये गजल वगैरह अफसाने वगैरह लिखने शुरू किए, फिर मैंने कुछ थोड़ी बहुत तनकीद भी लिखी अपनी, यानी ये पहाड़ी हमारे जो अफसाना निगार थे ना, ये अफसाना वगैरह लिखने वाले, तो ये आजकल जो इनके यानी जो लिख रहे हैं ये उस पुराने जमाने के टाइप पे लिख रहे हैं, उर्दू में भी वही लिख रहे हैं, और यानी इसमें हमारी पहाड़ी वगैरह में या कश्मीरी में भी उसी किस्म का जी लिख रहे बिल्कुल, हैं। खुशी साहब, मैं यहीं पे आपको आपको इस बात को यहाँ जोड़ ही दूं कि जो हमारा आज का टॉपिक है बात करने का, वो यही है कि मौजूदा दौर के अफसाना निगार और उनके जी मौजूदात। तो इसी पर आप तफसील से आप बताना, आप बता भी दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, मैं जी उसके बारे में बता देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि मैंने वो पुराने जी यानी जी पहले जी जी अपने जी बचपन में वो कृष्ण चंद्र के अफसाने पढ़े या प्रेमचंद के अफसाने पढ़े या उनका जो दौर था, या राजेंद्र सिंह बेदी साहब के अफसाने पढ़े मैंने, तो उनका जो दौर था वो आज
का दौर नहीं है। उस वक्त उनका दौर जो था वो जुल्म का दौर था, वो वडेरों का दौर था, जागीरदारों का दौर था, और उसमें उन्होंने उस चीज को नमाया किया, जो चीज हकीकत थी उन्होंने उसकी तर्जमानी की, उसको बयान किया कि फलाना जमींदार है वो जुल्म करता है, एक मतलब वो या महाजन है वो किस तरह करता है, एक सेठ है वो किस तरह सूद लेता है। तो अफसाने थे और बड़े अच्छे अफसाने थे। आज भी कुछ लोगों ने उन्हीं की तरह पर बस उसी तरह नंबरदार जेलदार वो किया, जबकि आज वो वक्त नहीं है। आज तुम सीधी सी बात है कि आज कोई उस किस्म का बड़ा छोटा पन जो है वो नहीं है, यानी उनका जो वो दबदबा या जबर या उस किस्म की ज्यादतियां जो थी वो आज माशरे पे नहीं हो रही हैं। मैं तो ये मैंने फिर ये लिखा कि भाई नाज़रीन, तहरीक बकाए उर्दू का हमारा ये इल्मी अदबी प्रोग्राम जो आप सबके घरों से, आप सबके टाउन, आप सबके साथ की बदौलत इतना लंबा हमने ये सफ़र तय किया है, इतना तवील सफ़र तय किया है, और एक बार फिर हम आपके सामने एक नए वक्त पर हाजिर हो रहे हैं आप सबके ही कहे के मुताबिक कि शाम को मगरिब की नमाज के बाद हम लाइव आए। तो आज से हमने वो समय शुरू किया है और आज हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन श्रीनगर से वो हैं तो जम्मू कश्मीर में जो नेट का सूरत हाल है उसको देखते हुए वो हमसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम आपसे माजरा चाहते हैं। और इस बीच कि वो दोबारा हमसे कनेक्ट हो, हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि उर्दू अदब में इतना कुछ है कि जिसके बारे में हम बरसों बरस बात करते रहे हैं तो वो ख़त्म नहीं होगा। ये सिर्फ मैं बात करने की बात कर रही हूँ, पढ़ना, समझना, समझाना, उसकी जो रूहानी ग़िज़ा है उसको लेना, उसके मुताबिक अपना किरदार ढालना, ये तो बहुत अलग से काम है। लेकिन अगर हम केवल उन पर तस्किरे ही करते रहें, तबसरे ही करते रहें, बातें ही करते रहें तो भी बरसों लग जाएंगे। और तहरीक बकाए उर्दू का ये मिशन है, हमारी ये कोशिश है, हमारा ये मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता सके कि उर्दू एक ज़ुबान नहीं है, उर्दू एक तहजीब है। तहजीब का मरकज़ क्या कहूँ, खुद अपने आप में एक तहजीब है, और इस ज़ुबान से जितनी मोहब्बत की जा सके। और कभी ना कभी हम ये महसूस करेंगे जो हम अभी से हम कर रहे हैं तहरीक बकाए उर्दू में, कि तहरीक बकाए उर्दू उर्दू की बका के लिए है, लेकिन हमें दिल से महसूस होता है कि उर्दू की बका हम कैसे कर सकते हैं। उर्दू तो हमारी बका कर रही है, उर्दू हमारे किरदार में, हमारी खासियत में इजाफा करती है। तो ऐसी जुबान जो हमें हर पल संवार रही है, अगर हमसे कुछ मांगती है, हमारा थोड़ा सा वक्त, हमारी मोहब्बत और हमारा ख्याल उसकी तरफ कि हम आगे आने वाली पुश्तों को, आगे आने वाली नस्लों को इस जुबान से जोड़ें, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिलहाल मैं इंटरनेट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हमारे जो आज के मेहमान हैं सैयद खुर्शीद हुसैन साहब, उनका इंतज़ार कर रही हूँ। और इस बीच इतना भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज बहुत अरसे बाद लाइव प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो रहा है, मतलब आज से हम शुरू करेंगे कि हम बिला नाका आपके सामने आ सकें, और आप वापस हमारे साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, अभी कुछ चंद रोज बाकी हैं, तो खुदा खुदा करके बखैरियत गुजर जाए, हमारी ये ख्वाहिश है। नए साल में नई उम्मीदों के साथ, नई बातों के साथ, नए कामों के साथ हम जिंदगी को एक नई शुरुआत दें, जिसमें कि तहरीक के भी कई सारे नए काम आपके सामने आएंगे। फिलहाल हम कुछ देर का और इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मेहमान अगर हमसे नहीं जुड़ सकेंगे तो इस बात को मुकम्मल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो है, क्योंकि एक ख़ास गुफ्तगू है, टॉपिक है, उस पर हम बात कर रहे हैं। इसे
इसी के बीच में मैं आप सभी का शुक्रिया अदा कर दूं। आप बहुत से लोग हमारे दोस्त हमारे हैफाज जुड़े हुए हैं हमसे, मोहतरम यशपाल शर्मा जी, मोहतरम मीर साहेब हसन साहब, मोहतरमा तलत सरोहा साहिबा, मोहतरम सैयद सलीम बुखारी, इंटरनेट की थोड़ी सी मोहतरम आदिल नूर साहेब, यशपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे मेहमान हमसे जुड़ गए हैं। सर जी, सर दोबारा आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। जी शुक्रिया शुक्रिया, बीच में ये नेट चला जाता है तो जी जी, जी कोई बात नहीं जी 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 सर, आप अपनी बात को जारी रखें, सर आप फिर से शुरू कर लें। जी मैं कहाँ तक पहुंचा था? आप अफसाना लिखने वालों की हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारा आज का टॉपिक है, मौजूदा दौर में अफसाना निगार और उनके बारे में आप बता रहे थे। जी जी हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा था कि आजकल के जो अफसाना निगार हैं उनको इसी टॉपिक पे लिखना चाहिए, जो हमारे घरेलू टॉपिक हैं, जो हमारे माशी टॉपिक हैं, जो हमारे यानी ये बच्चे जो यानी जो ड्रग एडिक्शन में आ गए हैं, काफी लोग ऐसे हैं, तो इस इन इन चीजों पे लिखना चाहिए अफसाना, उनको लिखने चाहिए अफसाने, ना कि इन चीजों पे कि जमींदार ने इस तरह कर दिया या ठेकेदार ने इस तरह कर दिया या महाजन ने इतना सूद खा लिया, तो वो कहानियां जो हैं वो नहीं, छोटे छोटे अफसाने जिसमें देने की बात है के यानी कि एक बाप है उसके बेटे हैं, फिर उनको त्वचा की जरूरत है, या अगर एक घर में एक लाडला बेटा है, बाप उसको रोक नहीं रहा है, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। तो मैंने उसका एक अफसाना लिखा था, लिखा भी था मैंने एक अफसाना, छोटा सा अफसाना लिखा था कि एक लड़का होता है, वो जाता है, उसको यानी घर वाले आके उनके वालदेन से शिकायत करते हैं कि भाई ऐसी बात है कि ये आपके बच्चे की आदत खराब है, तो वो कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनको यानी घरेलू मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो ड्रग एडिक्शन में जाता है, फिर वो ड्रिंक भी करता है, तो ड्रिंक करने के बाद फिर वो कोई ऐसी हरकत कर देता है कि उसकी माँ या बाप बाहर से पड़ोसियों को बुलाते हैं कि भाई आओ ये इस तरह कर रहा है, तो फिर पड़ोसी कहते हैं कि हमने उस वक्त कहा था इसे 2-4 साल पहले आपको कि इसको थोड़ा सा इसके कान खींच लें आप और इसको इस चीज से बाज रखें, तो आपने सुना नहीं। तो ऐसी ऐसी चीजें जो हैं, इस किस्म की चीजें जो हैं वो अफसानों में लानी चाहिए, ताकि माशरा जो है या आने वाली जो नस्ल है वो उसे पढ़े और देखे कि भाई हमें क्या, हम कैसे हैं और हमें क्या करना चाहिए, यही होता है। जी खुशी साहब, कोई खास अफसाना या कोई अफसाना निगार जिसका जिक्र करना आप जरूरी समझते हो और आपको लगता हो कि हाँ उनके लिखे हुए की रोशनी में आप बात को और ज्यादा बता सकते हैं, टॉपिक पे और रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, खास अफसाना निगार तो सभी अच्छे अफसाना निगार हैं जो पहले गुजरे हैं हमारे, जितने भी हैं। नहीं, मैं मौजूदा दौर के अफसाना निगारों की बात कर रही हूँ, इस वक्त जो लिख रहे हैं। मौजूदा दौर में जो इंतजार हुसैन थे, इंतजार हुसैन ने बड़े अच्छे अफसाने लिखे हैं, तो उनका यानी के उनका जो आर्ट है अफसाना लिखने का वो मुझे पसंद है और मैं उन्हें लाइक करता हूँ। तो कोई भी कारी जब ये कहता है कि मैं किसी खास अफसाना निगार को पसंद करता हूँ, जैसे आपने कहा या मैं कहती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि एक पढ़ने वाला एक अच्छे अफसाने में क्या क्या ढूंढता है, उसके लिए क्या देना चाहिए? बातचीत के बीच में यू इंटरनेट का कनेक्शन टूट जाना, मतलब
सारी बातों का सिलसिला बिखर जाना, लेकिन कोई बात नहीं। हम भी एक मिशन पे हैं और मिशन पे कभी हम पीछे की ओर कदम हो नहीं सकता, तो वापस से खुशी सर साथ में। सर मैं पूछ रही थी कि एक जो रीडर है वो एक अच्छे अफसाने में क्या क्या ढूंढता है और क्या जिम्मेदारी है अफसाना लिखने वाले की? जैसे आपने अभी एक कुछ चीजें बताई, लेकिन उसके अलावा और जो बहुत बड़ा वो होता है आपके सामने आसमान लिखने के लिए और देने के लिए, तो आपके हिसाब से क्योंकि आप जुड़े हुए हैं अदब से भी तालीम से भी, तो एक अच्छा अफसाना लिखने वाला क्या सोच के लिखे या क्या चीज रख के दिमाग में लिखे या लिखता होगा और कारी उससे किस तरह की उम्मीदें करता है? एक अफसाना लिखने वाला पहली बात तो यह है कि एक आजकल जो अफसाना लिखना चाहे उसे तो सबसे पहले ये चाहिए कि वो अच्छे अच्छे अफसाना निगारों को पढ़े। पहले जितने भी अफसाना निगार हैं उनको अच्छी तरह पढ़े वो, क्योंकि जब तक वो अफसाना निगारों को पढ़ेगा नहीं, मिसाल के तौर पे हमारे बड़े अफसाना निगार गुजरे हैं जो प्रेमचंद हैं, कृष्ण चंद्र हैं, बेदी हैं, इसी तरह इंतजार हुसैन हैं, अहमद नदीम कासमी हैं, तो राजेंद्र सिंह बेदी हैं, तो कम अज कम अगर इन सबको नहीं तो दो तीन को जरूर पढ़ना चाहिए। सैयद खुर्शीद हुसैन साहब बहुत ही खूबसूरत बात कह रहे थे कि अगर आप अच्छा अफसाना लिखना चाहते हैं तो आप पढ़ना शुरू करें और अच्छे अफसाना निगारों को पढ़ना शुरू करें। जी सर, आप बात को आगे बढ़ाएं। तो अच्छे अफसाना निगारों को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि अफसाना क्या है और अफसाना किस वजह से या अफसाना निगार को क्या जरूरत पड़ी अफसाना लिखने की और उनके अफसानों के इम्पैक्ट क्या हैं आपके जहन पे पढ़ते हैं, तो फिर उनके प्लाट को जहन में रखिए, वो अफसाना में क्या मंजर निगारी होती है उसके किस तरह। खैर ये तो उस किस्म की बातें हैं कि यानी कि उसमें अपने अपने प्लाट होते हैं, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, जैसे ऐसा होता है एक मकालमा होता है उनका आपस में, तो उनको जहन में रख के फिर वो अगर लिखने का काम करें, और लिखने से पहले फिर उसको यानी इंसान के अंदर खुद भी एक नुकाद होता है तो अपने आप को वो जानते हैं अपने अफसाने को, उसके बाद किसी को दिखाए जो वहाँ उसके दौर में उसके मकामी कोई अफसाना निगार अगर है उसको दिखाए कि मैंने कैसा लिखा, तो फिर लिखने के लिए उसको यही चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान जो अदब लिखता है वो अपने लिए तो लिखता नहीं है, वो अपने दौर के लिए तो लिखता नहीं है, वो आने वाले दौर के लिए लिखता है, तो उसको ये सोचना है कि ये अफसाना मुझे भी पढ़ना है, इस दौर में के लोगों को भी पढ़ना है और आने वाला जो दौर है उनको भी पढ़ना है, क्योंकि अदब है एक लिटरेचर है, ये तो जिंदा रहता है और ये कहे कि मैंने आज से 100 साल के बाद वाले लोगों के लिए भी लिखना है, तो इस किस्म की बातों को जहन में रख के और फिर जो हमारे अफसाने जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे। आजकल भी अच्छे लिखने वाले हैं, लिख भी रहे हैं अफसाने, तो फिर मैंने क्योंकि बहुत यानी इस पर मैंने थोड़ी बहुत तनकीद की, थोड़ा बहुत लिखा, मैं अफसाना इतना तो लिखे नहीं है अभी मैंने, लेकिन मैंने उसके अलावा जो शायरी है उर्दू में, उर्दू शायरी या पहाड़ी शायरी अपनी जुबान की, तो उसमें मैंने अच्छा लिखा है, अभी मेरे एक दो मजमूए शायरी के छुपने वाले हैं, मैं उनके लिए उनकी किताब के लिए दूंगा, फिलहाल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उसको खुद अपनी नजर से देखूं जो मैंने लिखा है, तो एक डायरी में मैंने मुरतब किया है, तो मैं उस वो मरहले से भी जब गुजर जाएगा मेरा वो कलाम तो फिर मैं किसी कातिब को दे के तो उसको इंशाल्लाह यानी दो तीन मजमू मेरे तैयार हैं अलग अलग, गजल का अलग है, नज़म का अलग है, यानी इसी तरह मैंने कश्मीर पे भी नज़म लिखी है, गजलें लिखी हैं, कुछ नातें वगैरह भी लिखी हैं, तो ज्यादा मेरा जो मैदान है आजकल जो मैदान है वो गजल का मैदान, वो गजली का मैदान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और लिखते हुए जब इंसान सीख रहा होता है वो एक अपने कहीं भी वो मुसलसल सीखने के सफर में होता है, एक अदीब एक शायर, और आपने बिल्कुल वही बात की क्योंकि आप खुद जुड़े हुए हैं एक स्कूल से और आपको पता है कि स्कूल से जुड़ना कितना कितनी जिम्मेदारी की बात होती है
परवेज मुजफ्फर साहब ये लिख भी रहे हैं कि मॉडर्न होने के लिए आपको जो आपके पीछे की जो ट्रेडिशंस हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसी इसी रोशनी में मैं अपनी अगली बात करूंगी। सर आपने कहा कि आपने शायरी में बहुत आपका दखल है, आपने बहुत कुछ लिखा है, आपकी मादरी जबान पहाड़ी है, आपका जो आप आशिक उर्दू हैं उर्दू में आपने बहुत कुछ लिखा है। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि एक शायर के तौर पे आप दुनिया को किस निगाह से देखते रहे हैं, शायरी में आपने किस तरह के मौजूआत पे लिखा है, और क्या शायरी के लिए भी एक गजल को लिखने के लिए भी कोई टॉपिक पहले आना जरूरी है, या फिर आप गजल लिखते वक्त टॉपिक को ध्यान में नहीं रखते हैं और जो बस जहन में जो आया उस पर आप लिखते हैं? देखिए जी, जैसे कि आपको तो जैसे तो आपको मालूम ही होगा माशाल्लाह, एक बार फिर माजरत नाजरीन, कनेक्शन टूट गया है लेकिन फिर भी फिर जुड़ेगा इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह फिर जुड़ गया जी। तो जी, आपको बखूबी इलम होगा, आपको मालूम है, होगा भी है भी मालूम आपको माशाल्लाह, आपकी जो गिरफ्तार है वो उससे पता चलता है कि आप में भी अदब का बहुत शौक है। तो आपको पता ही होगा कि इसका ये जो शायरी जो है इसकी अपनी अपनी सिनफ होती है। जो नज्म है उसमें तो किसी हम पर्टिकुलरली माहौल को देखते हैं और उसमें एक तसलसल होता है, जो बात हम शुरू करते हैं उसी को इख्तिताम, उसी का तसलसल रहना चाहिए उसी चीज। लेकिन जो गजल है, गजल में तो वो बात नहीं है, गजल का हर शेर जो है वो एक मुकम्मल इकाई है। यानी मैं कहता हूँ कि वो पूरी यानी कूजा यानी एक समंदर जो है वो कूजे में बंद किया होता है, एक शेर में भी वो एक शेर ही उसका काफी होता है और एक मुकम्मल होता है वो इकाई। तो नज्म या रुबाई वगैरह में शायरी में उसमें तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जो चीज शुरू की उसको तसलसल से उसी खत्म करना है और मौजू से हटना नहीं है। ये शायरी का एक अपना अपना असूल होता है। और गजल में अगर शायरी में अगर इंसान अगर शायरी है तो वो गजल ही है। मुझे तो अच्छी लगती है गजल, लिखनी भी अच्छी लगती है और पढ़नी भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं यानी बड़े बड़े अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ा है मैंने, गालिब को पढ़ा है, इकबाल को पढ़ा है, फैज को पढ़ा है, फिराक को पढ़ा है, तो इसलिए मुझे गजल अच्छी लगती है। इसी बातचीत के इसी मोड पर ये सवाल कर लेना भी सही होगा, मुझे लगता है कि आपके हिसाब से आपके निगाह में कदीमी और जदीदी गजल में क्या फर्क है? आजकल भी बहुत गजलें लिखी जा रही हैं, बहुत गजल नए नए शायर आ रहे हैं, लेकिन हमारे जहन में हमेशा वो फैज मीर मोमिन गालिब उनका नशा है जो उतरता ही नहीं है, और कहीं ना कहीं जब आज लिखने वाले होते हैं तो उन पर वो दिखाई पड़ने लगता है, वो असर, वो जमीन होती है, वो असर होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, और दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि लिखते वक्त जो जहनियत है लिखने वाले की, जो उसकी उस वक्त की जो कहते हैं ना स्टेट ऑफ माइंड है, वो कैसा होता है आज? क्योंकि आज बहुत सारी समस्याएं भी हैं, मुश्किलात भी हैं बहुत सारी, कि लिखते वक्त आपको किसान का भी ध्यान रखना है, किसान को भी जहन में रखना है, आपको महबूब को भी जहन में रखना है, आपको चांद को भी और रोटी को भी, तो ये तो लिखा जाता है, लेकिन आज का शायर कैसे इसको बरत रहा है, और कदीमी और जदीद गजल में कितना फर्क है, क्या फर्क है? सवाल के बाद जवाब से पहले बीच में डिस्कनेक्शन ऑनलाइन इस साल ने, ये 2020 जो कि अब जा रहा है और जल्दी ही जाए बेहतर है, लेकिन बहुत कुछ सिखाया है, और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के दौरान चीजों को मैनेज करना भी हम लोगों ने सीखा है। सर बताएं आप। देखिए पहली बात तो यह है कि आपने कहा जदीद और कदीम दौर की जो शायरी है, जो पुराने शायरों का आपने जिक्र किया माशाल्लाह वो तो उस्ताद थे, उसाद्जा हैं, और उन्होंने रवायती शायरी की है। शायरी को जो असल जो गजल की जो रवायत है उसको उन्होंने बरकरार रखा है। तो मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही है सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। उन्होंने उस रवायत को बरकरार रखा है। गजल में अगर किसी ने गजल कही है तो गजल का जो असली मजा है वो गजल पढ़ने में आता है, और
वो उस रवायत में कामयाब हुए। गजल होती है एक रवायत के तहत, जिस तरह मीर ने कही, जिस तरह गालिब ने कही, जिस तरह ये क्या नाम है उसने हाली वह उसने किया, क्या नाम है उसका, सौदा वगैरह ने कही, बड़े जितने भी उस्ताद हैं, तो उनकी एक रवायती शायरी थी और वो अपनी शायरी में कामयाब थे, इसीलिए हमें पढ़ने में मजा आता है। जो गजल की असली माहियत है, जो गजल की असली हकीकत है, तो गजल जिसको कहते हैं, तो उन्होंने गजल को गजल समझा और गजल लिखी। अब जहां तक हम जदीद की बात करते हैं, जदीद में दो चार शायर ऐसे अच्छे हैं जो अपने, यानी जदीद के में ये शायर जो है वो रवायत से बाहर निकलने की कोशिश करता है और निकला भी है। उसमें बहुत कम लोग कामयाब भी हो गए हैं, जिस तरह फैज अहमद फैज कामयाब हुए हैं जदीद में, फिराक कामयाब हुए हैं, उन्होंने अगर दूसरे मौजू को टच किया है तो उसमें कामयाबी से निकल गए हैं। इकबाल कामयाब हुए हैं, बिल्कुल कामयाबी से निकले हुए हैं। लेकिन हम जो आजकल के जो शायर हैं, वो इस तरह की बात है, मेरी तरह, मैं तो अपने ही कहूंगा कि ना इधर के रहे और ना उधर के रहे, रवायत को छोड़ा और रवायत को छोड़ के उन्होंने बाकी मौजूदात को लाया। जब तो बाकी मौजूदात को लाने में थोड़ा गजल में, फिर गजल उनकी उस तरह नहीं बनती है जो गजल का असली मकसद है, वो फोत हो जाता है मेरे ख्याल में। ठीक है, वो बाकी चीजें आ जाती हैं, हालात आ जाते हैं उसपे, यानी हालात की अक्कासी हो जाती है, तर्जमानी हो जाती है, बाकी चीजें हो जाती हैं, लेकिन गजल में वो मजा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहा? फैज की गजल में भी मजा है, इकबाल की गजल में मजा है, लेटेस्ट है ये, जदीद शोरा में है, फिराक की गजल में मजा है, हसरत मुहानी की गजल में मजा है। जबकि बड़े सूफी किस्म के लोग थे और बड़े अच्छे भी थे, तो उसने बड़ी अच्छी गजल लिखी वो चुपके चुपके रात दिन। तो देखिए इस तरह से एक ही मौजू पे लिखा, गजल को गजल समझ के लिखा तो कामयाब हुए। आज हम गजल को गजल समझ के नहीं लिखते, हम कहते हैं इसमें ये भी बात को इसमें भी दाखिल करो, उसको भी दाखिल करो, उसको भी दाखिल करो, तो नतीजा ये होता है कि जब हम अपनी असलियत को भी भूल जाते हैं, यानी जो कुछ हम में टैलेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक क्रिकेट प्लेयर वो अपने टैलेंट से खेलता है, जब बाहर से उसको बोलो बैट ऊपर रखना, बैट नीचे रखना, बल्ला इस तरह घुमाना, तो बेचारा अपना भी भूल जाता है। तो वो जब उस तरह क्या शुरू करता है, एक आज का जो शायर है वो कहता है फलाने ने इस तरह लिखा वो, तो मैं भी इस तरह लिखने की कोशिश करूंगा, तो मेरे ख्याल में गजल में वो चाशनी, वो मजा नहीं रहता। बिल्कुल सही बात कही है आपने सर, और वही बात है कि जब आप गजल को खींच तान कर लिखना शुरू करते हैं और गणित के सवाल की तरह हल करना शुरू करते हैं कि 2 × 2 = 4, तो फिर वो गजल का मजा चला जाता है, गजल का जो लुत्फ है, जो गजल लिखने का असली मकसद है जैसा आपने कहा, वो खत्म हो जाता है बेशक। तो सर इतनी बातें होने के बाद अगर शायर सामने हो और उससे कलाम न सुने जाएं तो ये थोड़ा सा ये नाइंसाफी कही जाएगी और एक नाजिम की के लिए ये उसकी नाकामी कही जाएगी। तो अब मैं चलो आपसे मैं, गुजारिश करूंगी कि अपने कुछ अशार, अपने कुछ कलाम, कुछ गजलें हमें सुनाएं, और इसके पहले हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी टूट गया है और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मुसीबतें कहते हैं कि कहकर नहीं आती और कनेक्शन कहकर नहीं टूटता ये चलिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स के सारे लुत्फ हैं, और इसमें जहाँ जितना हमने हिम्मत बांध रखी है या हम बांधे रखते हैं, हमारे जो नाज़रीन है उससे ज्यादा हमारे साथ हमारा साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से बता दूं कि हमारे आज के मेहमान मोहतरम सैयद खुर्शीद हुसैन साहेब श्रीनगर से हमारे बीच हैं। जन्नत सी खूबसूरत वादियां, लेकिन वहां इंटरनेट फिलहाल वीक चल रहा है तो इसलिए थोड़ी चलिए दिक्कत आ रही है। सर आप बोले, आप कलाम पढ़े अपना। जी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूंगा, जितना जो जो मुझे याद आएगा या जिस तरह मुझे आएगा। तो बहरहाल देख लीजिए, मेरी ये गजल है, ये रवायती गजल है। देखते ही हो गए कुछ उन पे शैदाई से हम, देखते ही हो गए कुछ उन पे शैदाई से हम, वाह बेखबर थे वाह झील सी आंखों की बेखबर थे झील सी आंखों की गहराई से हम, वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। देखते ही हो गए कुछ उन पे शैदाई से हम, बेखबर थे झील सी आंखों की गहराई से हम, अजनबी से शहर में तेरा पता तो पूछते, अजनबी से शहर में तेरा पता तेरा तो पता तो पूछते, पूछते, दिल ही दिल में डर रहे थे तेरी रिसवाई से हम। आय आय क्या बात है।
दिल ही दिल में डर रहे थे रुसवाई से हम, वाह। फिर है रखते रखते रख दिया, रखते रखते रख दिया राहे मोहब्बत में कदम, रखते रखते रख दिया राहे मोहब्बत में कदम, थे मगर ना आशना मंजिल की कठिनाई से हम, थे मगर ना आशना मंजिल की कठिनाई से हम। और फिर जुल्फ तेरी का बहुत मुश्किल है सर करना मगर, एक गालिब ने कहा ना कि आसान नहीं, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने पर, है तेरी जुल्फ के सर होने तक आह को चाहिए, आह को उम्र चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने मैंने लिखा है जुल्फ तेरी का बहुत मुश्किल है सर करना मगर, छोड़ते उड़ना नहीं घबरा के ऊंचाई से हम। वाह। जुल्फ तेरी का बहुत मुश्किल है सर करना मगर, छोड़ते उड़ना नहीं घबरा के ऊंचाई से हम। तो ये शेर सुनिए, लब कुशाई की हुई जुरात न उनके सामने, लब कुशाई की हुई, लब कुशाई की हुई जुरात न उनके सामने, कह सके ना बात दिल की थे तमन्नाई से हम। कह सके ना बात दिल की, कह सके ना बात दिल की थे तमन्नाई से हम। फिर है छोड़कर, छोड़कर घर बार अपना, छोड़कर घर बार अपना कैसे दश्ते खार में, छोड़कर घर बार अपना कैसे क्या बात है, ओके सौदाई से बेहतरीन अशार सुनाते हुए सैयद सर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यानी छोड़कर घर बार अपना किस तरह सहरा में हम फिर रहे हैं पाब रहना होके सौदाई से हम। फिर एक महबूब के बारे में लिखा है कि लग गए हों जैसे पर हमको, लग गए हों जैसे पर उस पर एक इशारे से तेरे, लग गए हों जैसे पर उस एक इशारे से तेरे, छू रहे हैं आसमां तेरी पजीराई से हम, छू रहे हैं आसमां तेरी पजीराई से हम, और पजीराई से हम छू रहे हैं आसमां तेरी पजीराई से हम। और ये मकता है, मकता है तय किए खुर्शीद हमने कैसे कैसे मरहले, तय किए खुर्शीद हमने कैसे कैसे मरहले, मरहले मरहले हारते हिम्मत नहीं, हारते हिम्मत नहीं तूफाने सहराई से हम, हारते हिम्मत नहीं तूफाने सहराई से हम। तो ये गजल थी मेरी जो आपने सुनी। वाह वाह क्या बात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो फिर एक मैंने आपसे और गजलें, जी जी अभी और गजलें सुनेंगे आपसे। आप कुछ कह रहे हैं सर, आप कह लीजिए, लेकिन इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट। और सर ने जो भी गजल पढ़ी उसमें एक लफ्ज आया झील, और मैं बीच में उनको रोक नहीं पाई, लेकिन मैं सोचने लगी कि जब कश्मीर का कोई शख्स, जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी शख्स जब कहता है झील, तो हमारी नजर के सामने सिर्फ एक ही नजारा आता है, वो है डल झील का। और हम ऊपर वाले से दुआ करते रहते हैं कि उस डल झील की खूबसूरती, वहाँ का अमन चैन बरकरार रहे, और हम सब उस पर खूबसूरत नज़में गज़लें और अशार सुनते रहें। एक और बहुत खूबसूरत बात कही सैयद खुर्शीद हुसैन साहब ने कि हर इंसान के अंदर, और इंसान से ज्यादा मैं बिलखसूस कहूँ कि हर अदीब के अंदर और शायर के अंदर खुद एक नाकिद होता है, और वो जानता है कि हमने क्या लिखा है, कैसा लिखा है। तो एक बार जब कुछ लिख लिया जाए, कुछ लिख लें, तो उसको कई कई बार पढ़ें, अपने आप से पढ़ें, और फिर कहीं जाकर उसे दूसरों के आगे पेश करें। आपके अंदर का जो नाकिद है वो आपको बता देता है कि आपने क्या लिखा है और कैसा लिखा है। जी सर, आपसे अभी और कलाम में सुनूंगी, और आपकी अपनी जुबान पहाड़ी में भी आपने बहुत कुछ जो लिखा है उसको भी हम सुनना चाहेंगे। तो उसके बाद कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छे सवालात जो आपसे पूछे जा रहे हैं, मैं उनको भी पूछूंगी आपसे। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर?
हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। मैं एक चीज पूछ ही लूँ आपसे। इरफान साहब ये जानना चाहते हैं कि बहसियते हेडमास्टर, जो कि आपकी जॉब है, आपकी नौकरी है, आप बच्चों और उस्तादों को उर्दू के हवाले से क्या खास मशवरा देना चाहेंगे कि उर्दू को कैसे वो अपनाएं और उर्दू में अपने आप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप स्कूल से जुड़े हुए हैं तो ये सवाल बेहद अहम है आपसे पूछा जाना। पहली बात तो यह है कि मैं खुद चूंकि हेडमास्टर हूं, तो मैं अपने ही बारे में बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं और मैं मेरी थोड़ा स्कूल में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो बाकी फिर उसमें क्या होगा, तो उर्दू को बढ़ाने के लिए या उर्दू को यानी बच्चों में उर्दू का शौक पैदा करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों में जो ये एक किस्म का कम्पिटिटिव जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं वो मैं करता हूँ, यानी एक क्विज बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अच्छा जी आप लिखिए, गालिब एक बड़ा शायर था या इकबाल अच्छा शायर था, या गजल का असली शायर कौन है, गालिब है, मोमिन है या मीर आपको पसंद है। तो इस किस्म के माहौल दे देते हैं हम हर क्लास वाइज, के 9th क्लास को एक दे दिया और 10th को दूसरा दे दिया, तो फिर वो बच्चे प्रिपेयर होते हैं। फिर हम उसको जब वो दिन जो है कम से कम हम फ्राइडे रखते हैं 1-2 बजे के बाद, तो वो हम सुनते हैं, स्टाफ बैठता है, बाकी बच्चे भी बैठते हैं, तो उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, कुछ स्कूल के फंड्स वगैरह से हम उनको कापियां या कुछ कलम वगैरह दे देते हैं, जो भी हो यानी इनाम इनाम है, चाहे एक पिन भी हो। तो वो एक तो उस तरह से बच्चों में रुझान जो है वो बढ़ता है उर्दू का, शायरी का। तो फिर जिस तरह यानी मॉर्निंग असेंबली के टाइम हर बच्चे को दे दिया जाता है कि भाई कल तुमने ये टॉपिक तैयार करके लाना है, तुम्हें इस टॉपिक पे बोलना है, मानो के तुमने ये देखना है कि उर्दू कहाँ पैदा हुई या उर्दू के मानी क्या हैं, तो वो बच्चा उस टॉपिक पे बोलता है। इसी तरह से जो हम यानी दो तो ये हो गए, फिर तीसरी बात ये होती है कि हम उनको जो स्कूल में यानी जो मदर्स टंग है, एक तो पहाड़ी में बात करने के बजाय उस्ताद जो हैं वो उनको उर्दू में समझाते हैं, बात जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो उर्दू में समझा देते हैं, या मानो कि अगर इंग्लिश भी पढ़नी होगी तो कभी कभी जरूरत के से हट के अगर कभी उनको 5-10 मिनट मिलता है तो किताब का ट्रांसलेशन वो उर्दू में कर देते हैं, तो ताकि उनको उर्दू से भी दिलचस्पी उनकी वो कायम रहे। तो फिर वो जो चौथी बात है वो ये है कि उनको हम लाइब्रेरी में हर बच्चे को, ये मैंने कहा है कि हर बच्चे का जो लाइब्रेरी है स्कूल लाइब्रेरी, उसमें किताबें रखी हैं और वो बच्चे के नाम वगैरह एंटर करके, अगर जो बच्चा नहीं लेगा उसको जबरदस्ती दिया जाता है। फिर एक टीचर को हमने जिम्मेवारी लगा दी है वहां कि भाई तुम इस किताब ये इस बच्चे को दे जब दोगे तो उस किताब के बारे में 1-2 टॉपिक जब बच्चा वापस लाएगा किताब तो पूछ लेना कि तुमने किताब पढ़ी, इसमें क्या पढ़ा, तुमने क्या पाया। तो इस किस्म की जो बातें होती हैं वो बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं, और फिर मेरे ख्याल में अगर ज्यादा नहीं तो क्लास में अगर 1-2 बच्चे भी हमें उस किस्म के मिल गए तो ये भी काफी है। तब तो होंगे नहीं, 100% तो रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि हमें तो जिंदगी हो गुजर गई पढ़ाते पढ़ाते। मैं कहता हूं अगर आपने 1 बच्चा 2 बच्चे भी बना लिए हर क्लास में से, 2-2 3-3 बच्चे वो आगे चल के इंशाल्लाह 2-4 4-5-5 और बना लेंगे। तो ये कुछ हम मैं इस किस्म की एक्टिविटी स्कूल में करता हूँ जो बिल्कुल मैंने बता बिल्कुल दी। सही कहा आपने सर। और एक टीचर की हैसियत से आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर एक दो बच्चे भी हम बना देते हैं तो वो बच्चे आगे जाके 4 बच्चे बनाएंगे, फिर वो 8 बच्चों, यानी वो वही वाली मसल याद आ गई कि तालीम या उस्ताद की जो हैसियत है वो चिराग की होती है कि आप एक चिराग जलाइए, फिर वो चिराग से चिराग जलते ही चले जाते हैं, आपको बस एक बिल्कुल चिराग जलाने की जरूरत है। सर, एक टीचर की हैसियत से एक इल्जाम लफ्ज तो काफी भारी है, ये नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन एक फिक्र उर्दू को लेके है हमेशा से। लोग ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन की चीजें हैं, जो जो टॉपिक है, साइंस है,
या जो पूरी दुनिया की वो इंफॉर्मेशन जो इंग्लिश में मौजूद है वो उर्दू में है नहीं, इसलिए उर्दू पढ़ाने से फायदा क्या है? क्योंकि हमें सारी एजुकेशन तो फिर बाद में इंग्लिश में लेनी पड़ेगी, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि उर्दू में अभी कितनी इंफॉर्मेशन है और कितनी अभी लाए जाने की जरूरत है? क्योंकि सिर्फ शायरी करके या कहानियां पढ़ के वाकई हम किसी जुबान को बहुत दूर तक एक आपकी रोजगार का रोजी का हिस्सा बनाना मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कितना कुछ है? हम ये सवाल कई बार पूछ चुके हैं, तमाम सब बार पूछते हैं, हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि उर्दू कितना, उर्दू में कितना है ये मवाद जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी? हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि उर्दू में होना चाहिए, उर्दू सिलेबस में होना चाहिए। यहाँ पर तो पहली बात तो ये है कि जो प्राइमरी सिलेबस था हमारा जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त यानी 8th तक 8वीं क्लास तक उर्दू ही में होता था सब कुछ। मैथ भी हमारा उर्दू में होता था और उसके अलावा ये साइंस भी उर्दू में होती थी, हिस्ट्री जोग्राफिया भी उर्दू में होता था, इल्ला के 10th में भी हमें हिस्ट्री जोग्राफिया जो था वो क्वेश्चन इंग्लिश में होते थे तो जवाब उर्दू में देना पड़ता था उसका। तो अब चलते चलते ये जो एनसीईआरटी वगैरह या जो मॉडर्न जो एजुकेशन आई, जो पॉलिसी आई एजुकेशन की, तो उसमें तो उर्दू एक लैंग्वेज ही रह गई है, एक सब्जेक्ट रह गया है। तो खैर मैट्रिक में जाके ये पहले बीच में इन्होंने रख दिया था, ऑप्शनल है भाई कोई ले या ना ले। तो इसलिए एक तो ये बात है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, छोटा बच्चा जो है बेचारा गांव का बच्चा है उसको आप लोग अगर दिल्ली वाले से कंपेयर करोगे, श्रीनगर वाले से कंपेयर करोगे तो डायरेक्ट ही उसको इंग्लिश सिखाओगे तो इंग्लिश क्या करेगा? जब उसका जेन मैच्योर नहीं होता है तो जब उसको अपनी उर्दू नहीं आती है, पहाड़ी नहीं आएगी, अपनी जुबान नहीं आती है तो इंग्लिश को क्या पिकअप करेगा? तो हमारे टाइम में ऐसा होता था कि 6 से हम आके इंग्लिश पढ़ते थे और जो भी पढ़ते थे वो बिल्कुल मैच्योर थे, चूंकि हम मैच्योर हो जाते थे तब तक हम याद रखते थे उसको अच्छे तरीके से। तो आज बच्चा तो ए बी सी डी लिख तो लेता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है, मैथ तक आते आते इंग्लिश का पता भी नहीं होता है और उर्दू का भी पता नहीं होता है। तो इसलिए जो उर्दू है ये बुनियादी जरूरत है क्योंकि ये एक जुबान भी है, मीठी जुबान भी है और फिर कंटेक्ट लैंग्वेज भी है एक दूसरे से बात करने का, क्योंकि ये तो मालूम ही है कि कहीं भी है ये तो ये कंटैक्ट लैंग्वेज है। जिस तरह बाहर हमारी बाहर वालों के साथ हमारी जो कंटैक्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो यहाँ हिंदुस्तान में तो हमारी कंटैक्ट लैंग्वेज उर्दू ही है, जिसे हिंदी बोलो या उर्दू कहो जो भी कहो। तो अब काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई हैं, थोड़ा सा मैं तो ये कहता हूँ कि एक तहसब भी आ गया है इसमें कि उर्दू बेशक। सैयद खुर्शीद हुसैन साहब अपनी बात कर रहे थे और जिसको हम आज बोलते हैं वो हिंदुस्तानी है, उर्दू ही है और कम्युनिकेशन के लिए जो जुबान हम इस्तेमाल करते हैं वो है ये जुबान। जी सर, जी हाँ, तो वो तो उर्दू ही है। बोले अब इसमें एक बात ये है, मैं सोचता हूँ एक बात के थोड़ा सा इसमें यानी जिसको हम कहते हैं मिसकंसेप्शन, वो ये आ गई है कि हिंदी को अलग कर दिया, कहते हैं भाई जो उर्दू है वो मुसलमानों की लैंग्वेज है, हिंदी अलग है। पहले पहले हम देखते थे कि काफ़ी चीज़ें जो भी यानी फिल्मी लैंग्वेज होती थी, फिल्म की सिनेमा की लैंग्वेज जो होती थी वो अच्छी उर्दू होती थी और प्योर उर्दू होती थी। आज तो उर्दू की बात ही नहीं है, चलो हिंदी है वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है उसके लिए भी, लेकिन कम अज़ कम सिलेबस में जो प्राइमरी सिलेबस है उसमें तो उर्दू होना ही होना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ये साइंस है या हिस्ट्री जोग्राफिया है या बाकी चीज़ें हैं ये तो उर्दू में होनी चाहिए, तब जाके उर्दू जो है ये पनपेगी। ये जुबान तो है ही, ये मीठी जुबान है, ऐसी बात नहीं है। और फिर अगर हम इसकी तारीख को देखेंगे तो आप देखिए कि इसमें ऊंचे ऊंचे नाम, बड़े बड़े नाम यानी जे अब इन्होंने सपरेट किया, कोई सपरेट करके अगर ये कहेगा ये मुसलमानों की जुबान है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम हैं। आप देखिए ये चकबस्त हैं उस वक्त के, अच्छा बहुत अच्छे शायर थे,
इसी तरह आप देखिए फिराक हैं, बहुत अच्छे शायर थे। इसी तरह आप देखिए उनको, ये क्या नाम है, जगन्नाथ आजाद थे, बहुत अच्छे शायर थे। तो प्रेमचंद थे जिनका हमने कई बार जिक्र किया और हर बार जिक्र करते हैं, और जब तक प्रेमचंद का नाम ना लिया जाए शायद मेरे ख्याल में लिटरेचर की जो हिस्ट्री है वो मुकम्मल नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल उन लोगों की कंट्रीब्यूशन है इसमें, उन्होंने ये चीज तो सोची नहीं। तो आज के लोग, जो आज के एक आम आदमी है, वो सोच रहा है ऐसी बात, पता नहीं अल्लाह ताला अगर रहम करे सब पे, हम पे, तो ये उर्दू जो है फिर उसी तरह हो, पूरे हिंदुस्तान में फैले जिस तरह पहले थी, और इसको बिला इम्तियाज रंग नस्ल मजहब सब अपनाएं, तो तब जाके ये उर्दू जो है ये पनप सकती है, फिर भी पनपेगी, इसकी अपनी एक तारीख है। जी जी परवेज मुजफ्फर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे मतलब बताई है हमें कि जो एक लफ्ज है अच्छा उसको भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। तो जबाने जितनी बोली जाती हैं जितना हम उसको चलन में ले आते हैं, जैसे मशीन शब्द है, मशीन इंग्लिश का लफ्ज है मगर उसको हम हर हर जुबान में मशीन को मशीन बोलते हैं। तो अपनी जबान को कितना हम फैला सकते हैं ये जिम्मेदारी हमारी है, और हम बेशक उर्दू में जितनी भी चीजें की जा रही हैं अभी कोई उसे कम नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी सही है कि उर्दू को रोजाना की जो हमारी टेक्निक है उसे जोड़ने की जरूरत है। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगी सर आपसे यहाँ पे, जो आपने कही भी बात कि बहुत ही सही बात है कि उर्दू को हमारे सिलेबस में भी एक जुबान के तौर पर ही रखा गया है, एक लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज को हल्के में लेना भी बहुत कमाल की बात है। लैंग्वेज को हम हल्के में ले नहीं सकते, हमारी जुबान ही हमारा किरदार बनाती है, और फिर हम जिंदगी में चाहे कुछ भी बने हम कैसे बोल रहे हैं ये बहुत मानी रखता है। तो इसलिए उर्दू आगे रही है और रहेगी, जिसकी भी जो जुबान है उसको हम मैं तो कहूंगी जैसे बच्चे को हम खाने का स्वाद देते हैं ना, खाने को जुबान पे एक जायका लगाते हैं कि वो क्या खा रहा है, अंडा खा रहा है कि वो रोटी खा रहा है कि वो चावल खा रहा है, बच्चे को वैसे ही जुबान पर जुबान का भी स्वाद लगाना चाहिए कि उसकी जुबान उर्दू है उसको बोलने में अच्छा लगे। जब तक उसको जी अपनी जुबान बोलने में अच्छा नहीं लगेगा तब तक तो कोई बात ही नहीं बन पाएगी। तो मैं ये कह रही थी कि आपकी जुबान जब आज जैसे हम बोलते हैं माँ बोली मदर टंग आपकी पहाड़ी है, तो जाहिर है कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए अपनी माँ से नहीं दूर हो सकता, अपनी मिट्टी से नहीं दूर हो सकता, अपनी मादरी जुबान से दूर नहीं हो सकता। तो आपने पहाड़ी में भी कुछ लिखा है तो मैं चाहूंगी आप पहाड़ी में कुछ हमें बोले बोल के बताएं, मतलब जो हमारे नाज़रीन पहाड़ से ताल्लुक रखते हैं पहाड़ी जुबान से और पहाड़ों से हैं, और कुछ अगर आपने जो लिखा है वो हमें सुनाए जो आपने लिखा है पहाड़ी में। हाँ पहाड़ी में तो मैंने मोहतरम सैयद खुर्शीद हुसैन साहब से मैंने अभी अभी गुजारिश की कि वो पहाड़ी में कुछ हमें सुनाए, और क्योंकि वो पहाड़ से संबंध रखते हैं, वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए नहीं है बल्कि वो कश्मीरी ही हैं, और एक बार फिर इंटरनेट कनेक्शन हमसे टूट गया है, लेकिन इसके पहले जो बात है बातें हैं कि जो बात कही जा रही थी जो सर ने अभी कही कि उर्दू को और अपनी मादरी जबान दोनों को साथ लेकर अपने किरदार में चलना पड़ेगा, तभी जाकर कहीं जी। एक मुकम्मल इंसान तैयार हो पाएगा। जी सर तो यही है कि उर्दू जो है, उर्दू को एक जुबान की सूरत में, यानी कि अगर अपना लें हम, तो उसके अलावा जो स्कूलों में जो है वो सिलेबस के तौर पे पढ़ी जाए, तो फिर मेरे ख्याल में इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि उर्दू में तरक्की नहीं करेगा, और उर्दू को तरक्की करनी भी चाहिए और करेगा भी, वैसे भी करेगा, ये इसके लिए तो कोई उस तरह की बात नहीं है, फिर भी करेगा वो। तो आप पहाड़ी की बात कह रहे थे कि पहाड़ी में कुछ लिखा है, पहाड़ी में जो अगर कुछ लिखा हो तो वो बताएं। हेलो जी सर पहाड़ी में आप सुनाए। जी जी पहाड़ी में सर अच्छा पहाड़ी में, पहाड़ी हमारी देख लें, कोई कली जद खिल रही है, बमरे को खुशी की मिल रही है, कोई कली जद खिल रही है, बमरे को खुशी के मिल रही है,
दिल दी धड़कन होले होले, तुड़ी वजह थी चल दी है, मस्त किसी दी अखियां नी, माड़ी भी के गलती है, वाह वाह मस्त किसी दी अखियां नी, मेरी भी के गलती है, दिल दी चर्बी पानी बनके, दिल दी चर्बी पानी बनके अखियां थी निकल दी है, जालम तुड़े वार थी किश्ती जान संभल दी है, नजर लगे ना हाथां को दिल ते छुरी के चल दी है, ख्वाहिश तोड़े मिलने दी दिल ही दिल विच पल दी है, बचते बचते डूब गए आई कजा कद तल दी है, खुर्शीद इस दी फितरत भी खुर्शीद खुर्शीद किसी दी फितरत भी पल विच रंग बदल दी है। जी वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और कमाल की बात यह है कि मैं सब कुछ समझ गई, मुझे किसी भी तर्जुमे की जरूरत नहीं है। मैं पहाड़ से नहीं हूँ, मतलब फिजिकली मैं पहाड़ से नहीं हूँ, लेकिन मेरा जहन मेरी रूह कहीं ना कहीं पहाड़ी है शायद, तभी मैं सब कुछ समझ गई। भाषा बड़ी आसान सी है, बड़ी बहती हुई सी जुबान है और बड़ी खूबसूरत सी ये जुबान आपने बोली है सर, नहीं बहुत है ही खूबसूरत, इसमें क्या शक है, पहाड़ी बहुत खूबसूरत, बिल्कुल बहुत खूबसूरत जुबान है, बिल्कुल, बहुत मीठी और समझ में खूबसूरत जुबान। हाँ, और समझ में आने वाली बहुत ही अच्छी और समझ में आने वाली ये जुबान। तो आप कुछ और अगर सुनाए हमें, क्योंकि अभी हमने आपसे बस दो एक ही सुने हैं, तो आप कुछ अपने चंद अशआर और सुनाए हमें। पहाड़ी में, जी कुछ पहाड़ी के पहाड़ी और में, तो कुछ जी जी कुछ पहाड़ी के, कुछ उर्दू के। चलिए पहाड़ी का एक शेर, एक दो चार शेर और सुना देता हूँ आपको। दिल है बेताब और चश्मतर, दिल है बेताब और चश्मतर, आ गया याद फिर बेखबर, आ गया याद फिर बेखबर, आतशे इश्क दी, आतशे इश्क दी तापनी, आतशे इश्क दी तापनी, किसा पुजदा है दिल। वाह क्या बात है सर, पहाड़ी में गजलें सुना रहे हैं और कमाल की बात यह है कि बिल्कुल दिल तक उतर रही है, कहीं कोई कठिनाई नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहती हुई सी, बहता हुआ सा पानी, बहती हुई सी गजलें। जी सर, आतिशे इश्क दी ताब नाल किसना पूजदा है दिल ओ जिगर। अब ये शेर सुनिए आपको अगर समझ आए कि साल हा साल दे रोग को, साल हा साल दे रोग नु, कर गई ठीक तेरी नजर। आहा हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या साल बात हा है। साल, साल हा साल दे रोग नु, कर गई ठीक हाँ, तेरी नजर। क्या बात फिर है, समझ में आ गया सर। जी फिर है, काश अपनी तरफ भी कोई, काश अपनी तरफ भी कोई प्यार ही लिखदा अगर, आए हाय, काश वाह वाह, काश अपनी तरफ भी कोई प्यार ही नाल दिखदा अगर, फिर कितना बेताब होंदे असी, दिखे दिखने वास्ते, दिखने दिखे वास्ते एक नजर। फिर ये शेर सुनिए, बेमहर बेमहर ओ असा वास्ते, बेमहर ओ असा वास्ते, यानी हमारे लिए बेमहर है, बेमहर ओ हजरा असा वास्ते, गैर पर मेहरबा किस कदर, गैर ते मेहरबा किस कदर। तो फिर है, आसे खुर्शीद कितने ही अरमा, आसे कितने ही आसे खुर्शीद कितने ही अरमा, सीने विच ही रहे उम्र भर, आसे खुर्शीद कितने ही अरमा, सीने विच ही रहे उम्र भर। तो ये उर्दू का सुन ले आप, हुक्म खालिक है ये आदमी के लिए, जिंदगी में बख्शीश, हुक्म खालिक है ये आदमी के लिए, जिंदगी मैंने बख्शी सभी के लिए, जिंदगी मैंने बख्शी सभी के लिए, और फिर खिदमत खल्क जीने का मकसद रहे, खिदमत खल्क जीने का मकसद रहे, फजल आदम को बख्शा इसी के लिए। और फिर है, जिंदगी लेने देने का मालिक है वो, हम ना किसी की जिंदगी ले सकते हैं ना देने का अख्तियार है, हम जिंदगी लेने देने का मालिक है वो, मालिक है वो,
हम तो पैदा हुए बंदगी के लिए। क्या बात, जिंदगी लेने देने, जिंदगी लेने देने का मालिक है वो, हम तो पैदा हुए बंदगी के लिए। बहुत दो मिसरों में बहुत बड़ी बात लिखी है इस गजल के शेर में। अगर इंसान समझ जाए तो बहुत सारे जो कत्लो खून के मंजर है वो हम देखने से बच जाएं। शायर हमेशा बहुत अच्छा सोचता है, जो जो भी तख्लीक करते हैं, जो लिखते हैं, जो रचते हैं, वो हमेशा बहुत अच्छा सोचते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, कंस्ट्रक्टिव सोचते हैं। जी सर, कहाँ पहुंचे, हम तो पैदा हुए बंदगी के लिए, हम तो पैदा हुए बंदगी के लिए। जी अच्छा, हाँ हम तो पैदा हुए बंदगी के लिए। फिर है जनाब, आज ये जो शेर है ये वैसे काबिले गौर शेर है और आजकल के हालात पर है। कत्ल के खौफ से आज हर आदमी, कत्ल के खौफ से आज हर आदमी शक में रहता है घर वापसी के लिए। क्या बात है, वाह क्या मंजर कशी है, बहुत सुंदर, बहुत। कत्ल के खौफ से, कत्ल के खौफ से आज हर आदमी शक में रहता है घर वापसी के लिए। और कमाल, आपने कमाल किया है कि हर आदमी जो लिखा है ना, काश लोग समझ जाए कि मजहब से ऊपर हर इंसान आदमी है और मरने का डर सबको होता है। बिल्कुल यही है, यही है ना, तो ये हर आदमी में तो यही है, वो तो शायद तो हम ये तो बहुत खूब, बहुत ही खूब। मंटो ने कहा था कहीं के कोई जब कहे कि 100 हिंदू मारे गए और 200 मुस्लिम मारे गए तो ये मत कहो, ये कहो कि 300 इंसान मारे गए। तो हम इंसान बन के रह पाए, जीने मरने का की खुशी और खौफ एक आदमी की तरह, एक इंसान की तरह मना पाए, तब शायद एक अच्छी दुनिया बन पाएगी। जी सर, शकी में रहता है वो कि वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा दोनों तरफ से, बेशक बेशक, तो आम आदमी भी शक में रहता है। फिर है, बात हक की करो तुम जहां तक चले, बात हक की करो, बात हक की करो तुम जहां तक चले, सच का दामन न छोड़ो किसी के लिए, सच का दामन न छोड़ो किसी के लिए, किसी के लिए। फिर है, सारी दुनिया में खुर्शीद हो अमन फिर, सारी दुनिया में खुर्शीद हो अमन फिर, हक हो जीने का यकसा सभी के लिए। क्या बात, सारी दुनिया में खुर्शीद हो अमन फिर, हक हो जीने का यकसा सभी के लिए। और फिर है ये एक दो चार शेर और सुन लीजिए, नींद आंखों से फिर वो उड़ाने लगे, नींद आंखों से फिर वो उड़ाने लगे, आज रह रहे के फिर याद आने लगे। ये रवायती गजल है। नींद आंखों से फिर वो उड़ाने लगे, आज रह रहे के फिर याद आने लगे, दूर रहना भी उनका गवारा नहीं, दूर रहना भी उनका गवारा नहीं, पास आए तो फिर दिल दुखाने लगे, पास आए तो फिर दिल दुखाने लगे। फिर है, ठहर जाते अगर देख लेते जरा, ठहर जाते अगर, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, देख लेते जरा, बिल्कुल आ रही है। ठहर जाते अगर देख लेते जरा, जी भरा ही नहीं और जाने लगे। आहा, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ठहर जाते अगर देख लेते जरा, जी भरा ही नहीं और जाने लगे। फिर है, ये शेर सुनिए जरा गौर से जी। कह सके ना वही, कह सके ना वही फिर भी जिस बात को, कह सके ना वही फिर भी जिस बात को, आते आते लबों तक जमाने लगे। वाह, कह सके ना वही फिर भी जिस बात को, आते आते लबों तक जमाने लगे, जमाने लगे। देखिए ख्वाब में आए, देखिए ख्वाब में आए छूने बदन, देखिए ख्वाब में आए छूने बदन, किस बहाने से जालम जगाने लगे। वाह वाह, इश्क की ताप से यख पिघलने लगी, इश्क की ताप से यख पिघलने लगी, बात दिल की, खूबसूरत गजलों और खूबसूरत बातों के बीच ऐसी रुकावटें
नाकाबिले बर्दाश्त तो होती हैं लेकिन फिर भी सर चलो, पता नहीं ये नेट को क्या प्रॉब्लम हो जाती है बार बार। यह इश्क की ताप से यख पिघलने लगी, बात दिल की जुबां तक वो लाने लगे, और फिर है मिल गया यार किस्मत से ऐसा हमें, मिल गया यार किस्मत से ऐसा हमें, ऐसे हमें प्यासे अरमां भी जिसको फंसाने लगे, प्यासे अरमां भी जिसको फंसाने लगे, फिर है दिल की दिल में ही खुर्शीद रखते अगर, क्यों मोहब्बत को बेहद जताने लगे। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब खुर्शीद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी बड़े खूबसूरत कलाम सुनाने के लिए। और अब हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हो रहा है, और इस वक्त को खत्म होने के लिए आखिरी जो हमारा होता है सवाल, वो सवाल भी जब आप मैं आपको देख पा रही हूँ और एक कमाल की चीज मैं देख रही हूँ, और मेरे मेरी एक आदत है जब मैं जो चीज देख रही होती हूँ मेरे दिमाग में उसको लेके कुछ चल रहा होता है कि ये जो हो रहा है इसका मतलब क्या होगा। तो अभी मैं एक चीज देख रही हूँ, हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे कि आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात हैं, इंटरनेट का भी कनेक्शन खत्म हो रहा है बार बार, रोशनी की भी दिक्कत है क्योंकि आप हाथ में टॉर्च लेके बैठे हुए हैं, और मैंने अभी देखा कि आप टॉर्च जला के रोशनी को कागज पर डाल रहे थे जहाँ से आप पढ़ रहे थे, और सच मानिए वो मंजर मुझे इतना अच्छा लगा है, और मुझे दिमाग में तुरंत ये बात आई है कि इंसान वही अच्छा है, अदीब और शायर वही सच्चा है जिसके हाथ में एक टॉर्च हो जिसमें रोशनी हो, और वो हर अंधेरे में उस टॉर्च को लेके निकले कि चाहे कितना भी घना अंधेरा हो, कितनी भी गहरी तारीकी हो, वो अपने उस इल्म की अदब की टॉर्च से उस रोशनी को करेगा और उस अंधेरे को दूर करेगा। तो इस टॉर्च ने मेरे दिमाग में ये बात लाई कि कितनी बड़ी बात है कि इतनी कमजोर कनेक्शन में, इतनी मुखालिफ जो हालात हैं, आप जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, अभी जो बिजली नहीं है या जो भी चीजें हैं, आप उन चीजों को कर रहे हैं, उन हाथ में टॉर्च रख के कर रहे हैं। ये टॉर्च होना जरूरी है। हिंदी के बहुत बड़े शायर हुए हैं, हिंदी के वाहिद शायर हुए हैं दुष्यंत कुमार, उनका एक शेर है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग जो रोशनी देती है, जो गर्मी देती है, जो उम्मीद देती है, और आपके हाथ में ये टॉर्च, इसने आज ये टॉर्च सिर्फ टॉर्च नहीं है, हमारी बातचीत का कहते हैं ना हासिले तकरीर जो होता है कि हमने बात की, आपने जो बात कही उसका ये हासिल कि मुझे लगा कि इसको कहा जा सकता है कि हमेशा हाथ में एक टॉर्च रखिए, उसकी रोशनी रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आखिर में इसी टॉर्च के हवाले से आपसे एक सवाल करूंगी, हमारी आने वाली नस्लों को उर्दू से मोहब्बत करना कैसे सिखाया जाए, उर्दू से कैसे जोड़ा जाए, और उर्दू से कैसे जोड़ा जाए, साथ ही साथ उनकी जुबान पे उनकी अपनी जुबान का स्वाद कैसे लगाया जाए, इस पर हमें एक मशवरा दें एक एक्सपर्ट के तौर पे, टीचर के तौर पे, शायर और अदीब के तौर पे, कि आने वाली नस्लों के लिए उर्दू में क्या किया जा सकता है। वैसे तो मैं आपको यहाँ एक बात कहूंगा कि सिखाया, हम क्या कर सकते हैं, ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जिनको शौक होता है वो खुद ही सीखते हैं, और उनको अल्लाह ताला दिल में ऐसे ही, उनका दिल ऐसे ही बनाता है कि उनमें ये जज्बे पैदा होता है और वो उनमें विजन ही वैसा होता है। तो हमारे करने से यही है कि हम में जहाँ तक हो सके तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, कोशिश में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो हमारा फील्ड है ये अच्छा है, इसमें यही जिस तरह से ये फेसबुक है, फेसबुक पे आज अच्छी अच्छी बातें उर्दू में आ रही हैं, और फिर वो यानी कि ये भी एक आने वाली नस्ल को यानी राग़िब करने के लिए है। इसी तरह यूट्यूब है, उस पर भी अच्छी बातें आ रही हैं। फिर बाकी चीज़ें जो हैं यानी किताबें, अच्छी अच्छी किताबें, किताबों का शौक़ खासकर स्कूल के बच्चों को वो भी देना है। तो बाकी वो बात है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुछ लोग ये चुने हुए होते हैं हर चीज़ के लिए, वो कहते हैं ना मोहब्बत के लिए। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। और
सर का ये शेर जो वो बोल रहे थे मैंने पूरा किया, मैं फिर से गुजारिश करूंगी कि आप ये शेर बोल दें फिर से। जी हाँ, तो वही कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला पैदा करता रहता है, करता रहेगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा जो करेक्टर है, जिसका आपने कहा कि आप तारिज लेके, आपने कहा यहाँ पे सर्दी में पावर भी चला गया, नेट की भी ये पोजीशन है जो आपने देख ली, तो मैंने ये क्षमा वगैरह जलाई थी, तो उस क्षमा की और दूसरा वो मेरे पास इलेक्ट्रिक टॉर्च भी है, उसकी रोशनी तो उस पर पड़ी नहीं, तो मैंने अपनी तारिज जला ली। तो इसी तरह से अपने हिस्से की अंधेरे को पोसने से बेहतर है मैं जितने जहां तक कर सकता हूँ अपने हिस्से का वो मुझे कंट्रीब्यूट करना है, अपने हिस्से की क्षमा जलानी। बहुत अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि क्षमा जला लो बस। क्या बात है, बहुत सही। अगर आपने ये बात किसी हॉल में कही होती तो बहुत सी तालियां बजती सर, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि अपने हिस्से की क्षमा जलाएं, अपनी रोशनी करें, तो अंधेरा आपकी तरफ से भागेगा और सब जलाएंगे तो हर तरफ से भागेगा। और कश्मीर में आपके पास एक चीज और होती है, मैं बताऊं, मुझे उस चीज से बड़ी मोहब्बत है, कांगड़ी एक होती है, और सर्दी में हम उस कांगड़ी को लेके चलते हैं, वो जलती है, उसके अंदर आग होती है, और सर्दी का जो मौसम है उसमें जो परेशानियां होती है उस कांगड़ी से दूर होती है। तो बात सही है कि हालात में जो तलखियां हैं, हालात में जो मुश्किलात हैं, उनको कोसने के बजाय उनसे लड़ने का रास्ता अगर निकाल लिया जाए तो ज्यादा जल्दी हम किसी भी सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जी सर, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उम्मीद रखनी चाहिए, वो उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला मदद करता है, यानी जिनके इरादे हिम्मत हो, जिनको जिनको कोई काम करने का शौक हो, तो अल्लाह ताला मदद करता है। तो ना ही आप देखिए, ये ना ही हर एक शायर होता है, ना ही हर एक राइटर हो सकता है, ये अपने अपने फील्ड होते हैं, अल्लाह ताला की मदद से ये हो ही जाता है। जिस तरह वो क्या नाम है, एक कॉल है कि मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि हो जाती है। तो उर्दू की जो बात है, ये जो उर्दू है इसमें लोग पैदा किए नहीं जाते बल्कि पैदा होके आते हैं ये लोग, तो आगे जाके बहुत ही। और एक एक शेर और है सर, आपने मोहब्बत के हवाले से एक शेर की याद दिलाई, तो मैं भी बोल दूं कि अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं मगर जो उसका मानी है वो कुछ यूं ही है कि मोहब्बत को समझना है तो पहले खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़ा तूफान नहीं होता। तो परेशानियों का जिक्र और हो हल्ला करने से बेहतर है कि आप उसमें जाएं, उसकी कारण खोजें, उसकी जो जड़ों में क्या मुश्किलात हैं उनको खोजें, फिर सोल्यूशन निकालें। और आप जो आपने पहले ही कह दिया कि अंधेरे को कोसे नहीं, अपने हिस्से की क्षमा जलाएं, रोशनी होगी ही होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक टीचर एक पूरी दुनिया में रोशनी करने का जो जिम्मा ले सकता है खड़े होकर बाहोशो हवास, वो एक टीचर ही होता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी ओहदे हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, यहाँ तक कि खुद टीचर, उसको एक टीचर बनाता है। तो टीचर से बड़ा तो कोई ओहदा ही नहीं है इस दुनिया में। बहुत बहुत प्रधानमंत्री से लेकर वजीर आलम से लेकर वजीर आला से लेके कोई भी ओहदा हो, टीचर बनाता है उसको, टीचर का ओहदा सबसे बड़ा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं ये बात कहूंगी कि परवेज मुजफ्फर साहब एक बड़ा मजेदार सा कमेंट किया कि आज इंटरनेट यूं हमारे साथ कर रहा है जैसे बड़ी लजीज बिरयानी खाते वक्त कंकर आ जाए बार बार मुंह में। तो वाकई हमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे हमारी जो बिरयानी की जो लज्जत थी वो कम नहीं हुई होगी। बातचीत बहुत ही खूबसूरत रही है और हम मोहतरम सैयद खुर्शीद हुसैन साहब के ममनून हैं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इतने मुखालिफ हालात में हमसे बातचीत की और रोशनी भी दिलाए रखी उन्होंने, हिम्मत भी बंधाए रखी उन्होंने और पूरी बात को पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। तहरीर बकाए उर्दू एक तहरीक है जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आप सबकी है, हर आशिक के उर्दू की है। और हमने वक्त में थोड़ा सा तब्दील किया है वक्त को, मगरिब की नमाज को जहन में रखते हुए। तो उम्मीद है आपका जो प्यार है बना रहेगा हमारे साथ। कल शाम इंशाल्लाह हम फिर आपसे मिलने की पूरी कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए सर, आपको भी हमारी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, कल शाम फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, शबा खैर।